फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती आर्ट गैलरी। आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक स्विच बोर्ड पेंटिंग। उससे पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्या है, इन दिनों में मैं बहुत ही बिजी थी, इसके लिए कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। फिर भी आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस जगह पर आप ये पेंटिंग करना चाहती है उस जगह पर पेंसिल से आउटलाइन कर लीजिए, उसके बाद आप आसानी से पेंटिंग बना सकते हैं। मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए राउंड ब्रश और ब्राउन एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर अपनी मनपसंद की यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ब्राउन कलर से ही आपको करना चाहिए। तो आप कोई भी कलर अपनी मनपसंद की यूज़ करें। एक एक करके सभी शाखाओं को ऐसे ही कलर करना चाहिए। वॉल पर पेंटिंग करने की समय थोड़ी सी सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा तेज़ी से करोगे तो आपकी दीवार खराब भी हो सकती है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी आपको मानना चाहिए। सभी ब्रांचेस ऑलमोस्ट कलर हो गई है। अभी मैं ऑरेंज कलर लेकर इस फ्लावर को कलर कर लूँगी। मैं यहाँ ऑरेंज एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और वो फेविकल की है। ऐसे छोटी छोटी फ्लावरों को मैं कलर कर लूँगी। अच्छे से कलर करना है और धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ी मत कीजिए। बाद में वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर एक लाइक करना, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ी सी सपोर्ट और देना। ताकि मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर और कुछ नया नया आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एक एक करके सब फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट होते जा रही है। अभी मैं ग्रीन कलर लेकर सभी पत्तों को ऐसे कलर कर दूंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।